आज के सेशन में आपके सामने मैं बनाऊंगी एक स्मूथ ग्रेडियंट बैकग्राउंड और फिर उस पर मैं ड्रॉ करूंगी सूफी विदाउट एनी हैंड्स। ठीक है, हैंड्स नहीं बनाए जाएंगे, जो हम थोड़ा सा एक सिंबल भी देते हैं वो नहीं होगा। सो देखते हैं कि किस तरह से करना है। कलर पैलेट जो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ये है अल्ट्रामरीन, एक्रेलिक्स में है। सेम चीज आप ऑयल्स में भी कर सकते हैं। मैं ऑयल्स इसलिए यूज नहीं कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं ऑयल्स ड्राई होने में, लेकिन आज की इस टेक्निक में मैं ऑयल्स और एक्रेलिक्स दोनों यूज करूंगी। बैकग्राउंड्स पे मैं एक्रेलिक्स अप्लाई करूंगी और फोरग्राउंड में जो सूफी हम बनाएंगे वहां पे मैं टाइटेनियम वाइट ऑयल्स में से यूज करूंगी। सो पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। स्मूथ बैकग्राउंड के लिए आपको ब्रशेस भी स्मूथ यूज करने हैं। सही, ये आप देख लें, ये बहुत ही स्मूथ फ्लैट बैकग्राउंड है, नंबर बैकग्राउंड का ब्रश है ये। स्मूथ इसके बहुत ही फाइन ब्रिस्टल्स हैं, नंबर 7 है ये। सो मैं डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर रही हूँ पेंट, क्योंकि ग्रेडियंट लुक देना है तो ग्रेडियंट में क्या होता है, हमेशा हम आउटर से इनवर्ड्स जाते हैं। पहले इन दो कलर्स को ब्लेंड करेंगे। ब्रश को मैंने हल्का सा पानी में डिप किया है और अब करना आपने क्या है, ग्रेडियंट लुक जब भी बनाते हैं आप, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक यहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा कंटेंट है, ठीक है, और ये ब्लू की तरफ मैंने जाना है, तो मैंने इन दोनों कलर्स के दरमियान में ये गैप छोड़ा है। इस गैप में, इस स्पेस में ग्रेडियंट बनेगा। इस टिप में आप अपने पास कंटेनर रखें जब भी आप दो कलर्स का इस तरह ग्रेडियंट बना रहे हैं, इस चीज का खास ख्याल रखें जो मैंने आप लोगों को बताया है कि आप देखिए मैंने ब्लैक एजेस पे अच्छी तरह कर लिया। अब मैंने यहाँ पे ये इस पेंट के दरमियान और इस यानी इस ब्लू के दरमियान और ब्लैक के दरमियान में ये जो स्पेस छोड़ी है इसमें बनेगा ग्रेडियंट। ब्रश को अच्छी तरह से वॉश कर लें और फिर क्लीन ब्रश के साथ आप ग्रेडियंट बनाए, क्योंकि आपको पता है कि ब्लैक जो है ये और एक टेक्निक आपने और देखी होगी, जहां मैंने ग्रेडियंट बनाना होता है वहां मैं अपने ब्रशेस को राउंड स्ट्रोक्स देती हूँ। सो उससे क्या होता है कि अच्छी तरह से कलर मर्ज हो जाता है। दूसरा जो मैं ब्लू यूज कर रही हूँ इसका नंबर है 450 फ्थैलो ब्लू और देखते हैं कि ये क्या इम्पैक्ट देता है।
कि जब भी आप ब्लैक के साथ कोई भी ग्रेडियंट बनाते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है आपको कलर्स को हैंडल करने में। क्योंकि ब्लैक जो है ये एक डोमिनेंट कलर है, दूसरे कलर्स को अपने अंदर मर्ज कर लेता है और सारी लुक ही वो ब्लैकिश लुक देता है। फिर एक्रेलिक सब हमारे ड्राई हो गए हुए हैं, अब अप्लाई करते हैं इस पे ऑयल्स। और यहाँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है टाइटेनियम वाइट, इस पे मैंने राउंड अबाउट 5 to 6 ड्रॉप्स यूज़ किए लिंसिड ऑयल के। बहुत ज़्यादा लिंसिड ऑयल यूज़ नहीं करेंगे आप कभी भी अपने पेंट्स को डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिंसिड ऑयल यूज़ करेंगे इट मीन्स के फिर वो येलोइश कलर देना शुरू कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि लिंसिड ऑयल का अपना कलर जो है वो येलोइश है। बहुत ज़्यादा पेंट लोड नहीं करना ब्रश पे है, तो एक डस्टर अपने पास रखें ठीक है, जिससे आप अपने ब्रशेस को क्लीन कर सकें। क्या चीज़ करनी है कि हैंड्स क्लियर ना हो, अगर आप चाहते हैं कुछ मार्क करना तो आई सजेस्ट यू कि आप कलर पेंसिल्स जो होती हैं आपके पास डिफरेंट कलर पेंसिल्स मौजूद होंगी आप ये यूज कर लें। मार्क इज क्लियर कि आपकी ड्राइंग कहाँ से कहाँ जा रही है। अब यहाँ पे मैं लाइनर ब्रश यूज कर रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेंट बहुत ज़्यादा थिक है देन यस यू कैन ऐड लिंसिड ऑयल टू मेक इट अ लिटिल बिट थिनर। अच्छा, अब लाइट का इम्पैक्ट क्या है? फॉर मी लाइट इज कमिंग दिस वे, ठीक है, यानी ये है लाइट का इम्पैक्ट इस तरह से। सो इसमें हाईलाइट क्या होगा, ये सारी चीज, ये पोर्शन हाईलाइट होगा और ये थोड़ा सा सप्रेस हो जाएगा। पैलेट नाइफ को यूज करें इसको डाइल्यूट करने में, ताकि आप इसके लिए अप्लाई करना, इसकी एप्लीकेशन जो है वो आसान हो जाए। यस, अब आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं।
इम्पैक्ट मैंने आपको लाइट का बता दिया, लाइट इस साइड से आ रही है। जहां आप शेडो देते हैं या आपने अपना लाइट सा इम्पैक्ट देना है, तो आप देख सकते हैं कि मैं ब्रश किस तरह से मूव कर रही हूं, क्योंकि यहां पे मैं दिखा रही हूं कि लाइट का इम्पैक्ट इस साइड से है, सो इसे मैं एक स्ट्रांग लुक दूंगी। और जैसे जैसे इस साइड पे जाएंगे तो वही फेड लुक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लाइट का कॉन्सेप्ट भी सेम हर पेंटिंग स्टाइल में सेम रहेगा। आपका सब्जेक्ट अगर आप चेंज करते हैं कोई इश्यू नहीं है, अदरवाइज जो लाइट का इम्पैक्ट है वो सेम है। आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ ब्रशेस यूज नहीं करती। समटाइम्स आई जस्ट यूज अ सिंगल ब्रश टू कंप्लीट माय होल पेंटिंग। सही है, तो यही स्टाइल आप भी यूज कर सकते हैं कि आप कोई सा भी कोई एक ब्रश यूज करें और उसी को यूज करते हुए आप अपनी पूरी पेंटिंग जो है वो कंप्लीट कर लें। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। बहुत कम लोगों के पास ये प्रैक्टिस, ये स्किल होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग मल्टीपल ब्रशेस को यूज करके पूरा एक सेट लेकर और उससे इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। एंड माय सिनेरियो इज डिफरेंट। आई सजेस्ट कि आप किसी एक ब्रश में मास्टर जरूर होने चाहिए। ठीक है, आप कोई बैकग्राउंड बना रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट पता हो कि ये बैकग्राउंड मैंने किस टेक्निक के साथ, किस ब्रश के साथ या किस टूल के साथ, फॉर एग्जांपल पैलेट नाइफ है या स्पंज है, तो किस तरह से बनाना है। अगर इसमें आप लोगों को डिफिकल्टी होती है ये चीज बनाने में, तो आप थोड़ा सा वाइट ब्रश जो है वो भी यूज कर सकते हैं, और ये आपको देगा फिर शेडोई इफेक्ट। राउंड टिप ब्रश है लेकिन साइज आप इसका देख रहे हैं। तो आपने देखा कि कलर मैं उससे अप्लाई कर रही हूँ और जो उसे एक टेक्सचरी लुक देनी है या जो स्मूथ लुक देनी है। क्लियर, इस लाइन को आपने क्लियर बनाना है। अब हम बात करते हैं कि ये मैंने बैकग्राउंड में दिख, मतलब बेस बैकग्राउंड ये ग्रेडियंट लुक, फिर ये पीछे है इम्पैक्ट जो दे रहे हैं, और ये सूफी इसके आगे है। हाउ? अब यहां पे ना कोई मैंने फेस ड्रॉ किया, ना कोई हैंड्स ड्रॉ किए हैं, जस्ट शेडो है।
इम्पैक्ट ये है तो लाइट यहां पड़ेगी ऊपर और फिर इस स्लीव पे ज्यादा पड़ेगी। इसे आप ड्रॉ कर लें और फिर आप इस बड़े ब्रश को यूज करके उसे ब्लेंड कर सकते हैं अच्छी तरह से। क्योंकि ऑयल्स हैं तो यहां आप टाइम ले सकते हैं इस चीज को नॉर्मली पेंट करने में, बट अगर यही मैं एक्रिलिक्स यूज करती तो आपको पता है कि फिर आपकी हैंड मूवमेंट बहुत फास्ट होना जरूरी है। सो अगर आपने बहुत जल्दी से कुछ भी पेंट करना है सो दिस इज दी बेस्ट अप्रोच। एक बैकग्राउंड बनाएं, दिखने में ये जरा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा और ऑयल के साथ आप ऊपर ये कर। इसको थोड़ा सा इनवर्ट दिखाऊंगी और फिर इसे हाईलाइट करते हैं यहां से। अब सारा मैजिक जो है वो इस ब्रश का होगा और वो कैसे। ये मेरी अपनी गलती और ये सारा पेंट मर्ज हो गया, लेकिन खैर इसको भी सेट करते हैं क्योंकि इस किस्म की मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती हैं। देन हाउ विल वी एड्रेस सच मिस्टेक्स।
सो इन केस अगर ये चीज हो गई है, यू कैन रिमूव इट, और फिर यहीं पर हम एक ब्लैक का कोड दे देते हैं, ब्लैक पेंट एक्रेलिक जो हमने बैकग्राउंड में यूज किया। सो कहीं भी अगर आपसे इस किस्म की मिस्टेक्स हों तो आप उन्हें बेहतर कर सकते हैं यूजिंग द सेम बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो और जो आपने एक शेडोई इम्पैक्ट देना है, क्योंकि लाइट मैंने आपको बताया इस साइड से है,